नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बहुजन लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि आकाश आनंद रैली कब करेंगे, आकाश आनंद भाषण कब देंगे, आकाश आनंद कब मैदान में उतरेंगे। तो भाई आखिरकार आप लोगों की मुराद पूरी हो गई, लेकिन जो तमाम बहुजन हैं वो मायूस हैं, वो निराश हैं, क्योंकि आकाश आनंद ने जिस तरीके से भाषण दिया लोग नाराज़ हैं। लोग कह रहे हैं ये कैसा भाषण है, ये क्या कर रहे हैं आकाश आनंद। दोस्तों आपको बताऊं तो आकाश आनंद झारखंड गए थे, झारखंड के पलामू ज़िले में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मायावती जी भी मंच पर मौजूद थी, राम जी गौतम भी मंच पर मौजूद थे, और उन्होंने जिस तरीके से भाषण दिया लोग कह रहे हैं कि एक शेर को गीदड़ बना दिया गया। आकाश आनंद रट्टू तोता बन गए हैं, वो भी अब लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं। आइए आपको आकाश आनंद का वो वीडियो दिखाता हूं जिनके भाषण से धार बिल्कुल गायब है। जरा देखिए ये वीडियो। किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी वर्ग के लोगों के ऊपर कोई भी अन्याय अत्याचार आदि नहीं होने दिया है। अब आप लोग भी अपने प्रदेश में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य कराने के लिए यहां अपने प्रदेश में विधानसभा के हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाकर अपनी सरकार जरूर बनाएं। आपसे मैं यही विशेष अनुरोध करता हूं, और यहां अपनी पार्टी की सरकार बनाने की क्यों जरूरी है तो उसके बारे में अब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खुद आप लोगों को काफी विस्तार से बताएंगे, जिन पर आपको पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल भी करना है। इसीलिए अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय ना लेते हुए यहाँ अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें जिताने की अपील करने के साथ ही अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो बहुत सारे लोगों की इस भाषण पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इससे पहले मैं कुछ बोलूं, कुछ लोगों की प्रतिक्रिया मैं आपको सुनाना चाहता हूं। विशाल ने लिखा है, आकाश आनंद भी लिखा हुआ भाषण पढ़ने लगे। वैसे ये भाषण लिखा किसने, भाषण से धार एकदम गायब है, खाना पूर्ति जैसा लग रहा है। बहुत सारे लोग हैरान हैं, मायूस हैं, नाराज हैं, निराश हैं कि आकाश जी आपको हम लोग इसलिए पसंद कर रहे थे क्योंकि आप बिना लिखा हुआ भाषण पढ़ते थे, और लिखा हुआ भाषण भी पढ़ते थे तो लग नहीं रहा था कि आप लिखा हुआ भाषण पढ़ते थे। आकाश आनंद को लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ये देखिए, आकाश आनंद की बॉडी लैंग्वेज और पर्चा पर लिखे भाषण से बहुत स्पष्ट हो गया कि आकाश आनंद की शेर की जगह अब खच्चर बना दिया गया है इनको। मायावती जी ने आकाश आनंद जैसे तेज तर्रार नेता को ख़त्म करके एक बेचारा और निरीह कार्यकर्ता बनाकर छोड़ दिया। अफसोस और शर्मनाक, बसपा की कमान मायावती जी के पास है। बहुत सारे लोग भड़के हुए हैं, मैं किस किस का रिएक्शन आपको दिखाऊँ, लेकिन जो समर्थक हैं, जो कट्टर समर्थक हैं, वो कह रहे हैं भैया आकाश जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मायावती जी का आदेश मान रहे हैं, वो अच्छे बच्चे हैं, वो अनुशासन में रह रहे हैं, अनुशासन मतलब बसपा। तमाम लोग, कई लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं, वो इस भाषण से निराश हैं। 10 में से इस भाषण को 1-2 नंबर दिया जा रहा है। आकाश आनंद को शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने झारखंड में कहा क्या। लेकिन आकाश आनंद, आपको अपने भाषण पर गौर करना चाहिए। आप जो लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बताने के लिए कि भैया लिखा हुआ भाषण पढ़ोगे तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, चाहे वो चंद्रशेखर हों, चाहे वो अखिलेश हों, चाहे राहुल गांधी हों, जो भी कोई लिखा हुआ भाषण पढ़ेगा, चाहे मायावती जी का लिखा हुआ भाषण है, कोई नहीं पसंद करता है।
मायावती जी का वो दौर याद करिए, जब मायावती जी भाषण देती थी तो लोग सुनने आते थे दूर दराज से। लेकिन मायावती जी कई सालों से अब लिखा हुआ भाषण पढ़ती हैं, कोई लिख देता है स्क्रिप्ट वही आके पढ़ देती हैं। अब आकाश आनंद के लिए भी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। क्या आकाश जी के अंदर इतनी सूझबूझ समझ नहीं है कि वो आकर लोगों को संबोधित कर सकें? मायावती जी मंच पर मौजूद हैं, राम जी गौतम मंच पर मौजूद हैं, तो जब आकाश जी को दहाड़ना चाहिए उस समय आकाश क्यों पर्चा पढ़ रहे हैं? और ये पर्चा लिखा किसने है? ऐसे लिखा जाता है स्क्रिप्ट, हुसैनाबाद के लोगों को जिताइए, अरे कुछ नयापन लाइए, धार तो लाइए, तब तो भीड़ आएगी, तब तो लोग सुनेंगे। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे नेता हैं जो पर्ची पर आकर पढ़ देंगे, तो क्या उन्हें पसंद कर लेगी जनता? नहीं पसंद करेगी भाई। आपको लोग सुनने इसलिए आते हैं कि आप कुछ नया बोलोगे, कुछ आप दहाड़ोगे। और आपको सीतापुर में पसंद क्यों किया गया? क्योंकि आपने दहाड़ा, सच्चाई बोली। हालांकि आकाश जी ने जब सच्चाई बोली तो मायावती जी ने उन्हें घर बिठा दिया, कहा कि ये अपरिपक्व हैं। लेकिन डेढ़ महीना बीतने के बाद मायावती जी ने उन्हें फिर से बहाल किया। अब फिर से आकाश जी नेशनल कोऑर्डिनेटर मायावती जी के उत्तराधिकारी बन गए। बड़ा सवाल, क्या आकाश आनंद अब दबाव में आ गए हैं? क्या उन पर भी बहुत दबाव पड़ रहा है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आकाश जी ने बहुत पहले बड़ा खुलासा किया था कि उन्हें सही तरीके से खुले तौर से काम नहीं करने दिया जा रहा है। कुछ लोग उनके आसपास हैं जो उन्हें खुलकर नहीं बोलने दे रहे हैं। आकाश जी ने इसको लेकर एक बार खुलासा किया था, इस पर मैंने वीडियो भी किया था, एक महीने पहले की बात है अगर आप लोगों को पता हो तो। तो अगर आकाश आनंद के ऊपर कोई शिकंजा कस रहा है, कोई उन्हें कह रहा है कि भाई लिखा हुआ ही बोलो, अपने मन से कुछ ना बोलो, तो ये पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। और मैं तो कहूँगा मायावती जी चाहे चार लाइन बोलें, लिखा हुआ भाषण ना बोलें, बहुत हो गया। समझदार नेता की ये भी पहचान है कि अपने दिल से जो आए वो बोले। तो क्या नेता है जो बहुजन राजनीति को समझते हैं, 40-40 साल से राजनीति कर रहे हैं, क्या वो बिना लिखे हुए बिना पर्ची देखे नहीं बोल सकते दो शब्द जनता के लिए? देश की स्थिति क्या है उसके बारे में नहीं बोल सकते? मायावती जी हों या आकाश आनंद जी हों, सबको अब पर्चा पढ़ना बंद कर देना चाहिए अगर पार्टी को आगे ले जाना है तो। चंद्रशेखर जी क्या पर्चा पढ़ते हैं? क्या कभी आप लोगों ने गौर किया, चंद्रशेखर आज़ाद पर्चा पढ़ के बोलते हैं? कॉम्पिटिशन तो आकाश आनंद का चंद्रशेखर से है, तो भाई काम भी करो। हालांकि चंद्रशेखर के ऊपर किसी का दबाव नहीं है, वो खुद अपनी पार्टी के नेता है, वो जैसे चाहे वैसे करें। लेकिन आकाश आनंद को अगर उत्तराधिकारी बनाया तो फ्री हैंड देना पड़ेगा। इस तरह भाषण देंगे तो कोई पसंद नहीं करेगा, वही वोट मिलेंगे जो बोल मिल रहे हैं, और इससे पार्टी को कोई फायदा वायदा होगा नहीं। तो भाई अभी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ। अगर ऐसे ही रहा तो जो मकसद है उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो तमाम बसपा के नेताओं को ये समझना चाहिए कि वो दौर अब चला गया मान्यवर जी का, अब पर्ची वर्ची छोड़ो, सीधे आओ दहाड़ो, जनता से बोलो जनता की बात। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आकाश आनंद जी के भाषण पर आप क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।